que vas a salir. स्वागत है गाइस एक और नए व्लॉग में और आज हमारा फेयरवेल है. सो फेयरवेल फॉर 2023-2024 बैच एमबीए 19 यानी कि मेरा बैच आज हमारा फेयरवेल है और इसका मतलब कि ये हमारे इस कॉलेज का एक आखिरी इवेंट होगा. इसको हम स्पेशल बनाएंगे और एज ऑलवेज तुम्हारा भाई इस बार कुछ परफॉर्मेंस देगा और तुम्हें वो परफॉर्मेंस भी दिखाएगा. खैर अभी मैं कहीं से इंटरव्यू देके आया था. सो अभी मैं रेडी हूँ, थोड़ा नहाते धोते एंड देन तैयार होके मैं आपको दिखाता हूँ मेरा आज का फेयरवेल अटायर. And then we will be going towards the seminar hall. So let's go. Guys, तुम्हारा भाई हो चुका है तैयार. पूरा रूम का मैंने तहस नहस कर रखा है. बट देखो गाइस, तुम्हारा भाई हमेशा कुछ ना कुछ स्पेशल ट्राई करता ही है. तो आज एकदम सच धज के अब हम जा रहे हैं सेमिनार हॉल की तरफ. 2:30 हो चुका है टाइम और फेयरवेल शुरू ही होने वाला है. सो लेट्स गो, लेट्स सी व्हाट पीपल रिएक्ट. अपने दोस्तों को देखते हैं कैसे सजे हुए हैं. सो गाइस, आपका प्यार, आपका आशीर्वाद हमें आज MBA कंप्लीट करने को मौका दे रहा है और फेयरवेल एंजॉय करने का मौका दे रहा है. सो आई होप मेरा ये अटायर आपको अच्छा लगे. ओके, सो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर माय फ्रेंड्स नाउ. देखो मेरे दोस्त का कुछ ऐसा रिएक्शन है. बहुत बढ़िया. देखो कुछ रिएक्शन नहीं है गाइस, मैं कही रहा था यार ये कलर अच्छा नहीं लग रहा यार. तो क्या बताएं, तुम कहां ये ले आने से हट वाले हरकतें कुछ टॉम क्रूज ये भाई मेरे को टॉम क्रूज बोल रहे हैं. ये देखो तैयार नहीं हो रहे, 2:30 बजे शो है. बताओ व्हाई आर यू नॉट सीरियस गाइस. होंगे भाई अभी समय है. चलो हमें वेज सेरेमनी करा दी यार. ये बोटाई सही कर दे यार. सामने डीजे लगना शुरू हो चुका है हमारा. और ये हमारे निशांत भाई, हमारे हमारे बचपन के प्यार. तैयार ही नहीं हुआ गाइस, हमेशा मैं ही टाइम से तैयार होता हूं. व्हाट द हेल यार गाइस, तैयार हुआ करो यार. I got my peaches out in Georgia. Yeah. No comment, bro. ये देखो वही लड़के जो नीचे से ऊपर से देख रहे थे, वो नीचे से ऊपर देख. अरे मतलब ठीक है समझ गया. ऊपर से नीचे देख रहे हैं. क्या ना कटा हो ये. देखो गर्ल्स हॉस्टल में कुछ गर्ल्स साड़ी पहन के कुछ देर, बट हम पहचान नहीं पाए. ओ बीबीए वाले बच्चे थे. सो चलो कोई बात नहीं, हम आगे जाते हैं और देखते हैं अबे क्या एक्सप्लोर करने को मिलता है. देखो ये कुछ हमारे जूनियर्स ऐसे चमक रहे हैं. सो आज बीबीए का भी है जूनियर्स, सीनियर एमबी. अच्छा तो बीबीए के सीनियर हमारे जूनियर, राइट. सो हम एमबीए के सीनियर, ये बीबीए के सीनियर, हमारी विदाई एक साथ. सो सेम फेयरवेल, सेम बट बाय. हैप्पी फेयरवेल, हैप्पी फेयरवेल. सो लेट्स गो, अब आगे देखते हैं. ये कुछ तो अभी से अभी घर में, अभी तो घर से आ रही है. देखो इनको सरम वरम है नहीं, 2:30 बजे फेयरवेल. पता नहीं यूट्यूब का पैसा बहुत छापा है, ऐसा पहन लिया. तो आप कुछ भी यार, मतलब इतने सब्सक्राइब आपने, इतना प्यार दिया, इतना पैसा आया, पैसा ही पैसा. भाई को आप बकाड़ी दिलाएंगे आज, बकाड़ी ब्लैक. यहाँ पर कुछ ये कौन सा ये प्रथा है जो दुल्हन अपने पैरों में लगाती है, हम हाथ में लगाएंगे यहाँ पर करके, यहाँ पर छाप देंगे गाइस. मैम ये हमारा हाथ का छाप यहाँ लगेगा. सो यही मैं इनसे पूछ रहा था. सो ये काफी अच्छा है, यादें रहेंगी हमारी. उससे मेरा क्या फायदा हुआ, मुझे क्या मिला बताओ. उससे मेरा क्या फायदा, मुझे क्या मिल रहा है. अभी शो तो शुरू हुआ नहीं, बट हम आपको क्लोज लुक देंगे, सिनेमैटिक लुक देंगे पूरे इस स्टेज का. Within आधे घंटे में पूरा बैच यहाँ पहुँच जाएगा एंड वी विल बी स्टार्टिंग अ फेयरवेल प्रोग्राम. सो फिर से देखो कैसा लग रहा है हमें विदा करते हुए. अनुप्रिया मजा बढ़िया लग रहा है. इनको अच्छा लग रहा है हमें विदा करते हुए. यहाँ चाहते थे कि हम यहाँ से चले आज. हेड बॉय या हेड गर्ल की बैच सेरेमनी भी है, इसीलिए बैचेस भी देखो मैंने रेडी करे हुए हैं. मेरे जाने से पहले ही इनका फेलिसिटेशन हम करवाएंगे और इनका इन्वेस्टी चेयर हम कराएंगे. सो कोऑर्डिनेटर में देखो ये राहुल रावत को आप जानते होंगे, इन्होंने इस कल्चर इवेंट को बहुत कोऑर्डिनेट किया है. आज हमारे सीनियर्स का ऑफिशियली आखिरी डे, आज हम उनका फेयरवेल ले रहे हैं. वी आर लिटिल बिट ऑफ सैड. लिटिल बिट ऑफ सैड, लिटिल बिट ऑफ सैड. धारे बह जानी चाहिए थी अभी तक.
मैं गाना गा रहा हूँ, जरूर भाएंगी उसमें। अच्छा, हम इसमें मतलब हमारी आंखें भाएंगी। आप बताइए, आप वेरी स्ट्रेस्ड? You're stressed? Yeah. Because we are leaving. लोग कहते हैं आगे बढ़ने के लिए दोस्त काम नहीं आते। I'm just asking who is this Ankush Sambhi? लेकिन वो दोस्त ही क्या? Please, मैं ले रहा हूँ मसूरी के मजे। भाई इस सेमेस्टर तो पढ़ाई करेंगे, इससे लेकर। भाई आप सो जा रहे हैं। देखो ये मेरा सिग्नेचर ले रहे थे क्योंकि मैं बहुत बड़ा स्टार हूँ, तो देखो यहाँ पर ये मैं सिग्नेचर करूंगा और फिर ऑप्शन में बिकेगा। सो लेट्स डू इट। सो ये हमारी निशानी है, अब देखो हम यहाँ पर हाथ का छाप लगाएंगे। बताओ कौन सा कलर गाइस? भगवा रंग गाइस। सो हम हैं, माय गॉड मैंने पूरा गंदा कर दिया गाइस, सॉरी। सो मजाक बना रहा है गाइस, ये देखो ये रहा, ये बहुत बढ़िया लग रहा है भैया, मजाक क्यों आ रहा है। सो ये हमारा हेड बॉय, अभी इसका सर की पार्टी ले लेंगे आज। अभी ये मेरी कुर्सी छीनने वाला है थोड़ी देर बाद, मैं ही इसको अपनी कुर्सी दूंगा। और यहाँ पर इसका एक बैच चमकता हुआ हेड बॉय नाउ। कोई बात नहीं गाइस, होता है, लाइफ में चलता है, दुख दर्द पीड़ा। क्यों भाई, सही बात है सर। रास्ते पे चलते हुए कुछ जूनियर्स मिल गए थे, उसमें से एक है सिंड्रेला मैन, सिंड्रेला वुमन सॉरी। और ये आज इसने मेरे लिए सरप्राइज रखा है और इसने बता दिया कि ये सरप्राइज है, इसका डांस। तो कैसा सरप्राइज है गाई? बहुत प्यारा डांस करने वाला है सिर्फ आपके लिए। हां आपको काफी अच्छा लगेगा, ये मेरे लिए प्यारा डांस करने वाला है। माला जी आओ दियाना खड़े हैं। कैसा लग रहा है मेरे जाते हुए, हमें जहां हमें विदा देते हुए? बासमती चावल ओ सॉरी गाइस, वो बंदा उसका सॉरी सॉरी माय बैड। ये है हमारी जया, जया यहाँ देखो, ओ माय गॉड साड़ी देखो इनकी, और ये यहाँ पर अपनी छाप छोड़ रही हैं। ये देखिए ये इनका हाथ का छाप और इनके सिग्नेचर, ये फोटोग्राफ्स, ओ माय गॉड सुरभि हाय। ओके और ये कौन है? अपूर्वा, अपूर्वा हाय। तो आपको किससे मिलाते गाइस? देखो ये जो बंदे हैं ये आ चुके हैं कॉलेज वापस जस्ट फॉर फेयरवेल। So, कैसा लग रहा है आपको आज? बहुत अच्छा, मजा आ रहा है, बहुत मजा। So, guys, ये एक्साइटमेंट है हमारे पास। So, टैलेंट राउंड में क्या करेंगे आप? कुछ भी नहीं करेंगे। कुछ भी नहीं करेंगे, यही तो हमारा टैलेंट है। टैलेंट है कुछ नहीं करना। ये कंट्रोवर्सी हो जाएगा। ये है यहाँ का कैमरा, इस कैमरे से आप चांद भी देख सकते हैं। So, ये आता है इस एंगल से जो मस्त सा सेमिनार का व्यू। लगभग भर चुके हैं बीबीए वाले, बट वी आर वेटिंग फॉर द एमबीए गाइस। हमारे एमबीए 19 पता नहीं क्यों लेट हो रहा है। मैं किसी को अचानक सरप्राइज देने वाला हूँ और ये है ये वो लोग। हाय ईशानी, हाउ आर यू? यू आर लुकिंग सो नाइस। और ये देखो हमारा राम, ओ माय गॉड द मैन इन ब्लैक। ये है पीछे से, कैसा लग रहा है फिर? बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, 12th की याद आ रही है कि 12th में। अरे यार क्या नॉस्टैल्जिया ला रहा है 12th की। अब 19 के कुछ गाइस थोड़े लेट आए हैं गाइस। ये मिली है अनघा से, ये मिली है स्नेहा से, ये मिली है आप अश्विनी से, ये मिली है आप शबा से, ये मिली नफीसा सॉरी सॉरी, ये मिली है आप साक्षी से, ये मिली आप तनु भाटी से, ये मिली है आप ईशानी। तुम फिर से हाय हाय, हमारे साथ ये ट्रिप में भी आए थे, आपने इनको ट्रिप में भी देखा था अगर आपको याद होगा तो। चैनल भेज देना। हाँ आपको चैनल भेजा ही था। हमारे वार्डन सर, सर कैसा लग रहा है हमारा फेयरवेल आज? यस थैंक यू सर, वी विल मिस यू सर। स्पेशल मंडली आ चुकी है। अरे विक्रांत, अरे विक्रांत, विक्रांत अंकित छोड़ो। शिमला की ट्रिप याद आती है गाइस इनके साथ। सौरभ, सौरभ
तो फेयरवेल का शुभारंभ हुआ हमारा नए हेड बॉय और नए हेड गर्ल से। सो मनीष एंड अनुप्रिया NBA 20 के नए हेड बॉय और नए हेड गर्ल घोषित हुए, और ट्रे में मैं आपको दिख रहा हूँ, ट्रे पकड़ के मैं ही आपको दिख रहा हूँ। सो मैंने अपनी कुर्सी अपने जूनियर्स को दी, और आशा यही है अपने जूनियर्स से कि आगे जाके AIMTNSS यूनिट का नाम आगे बढ़ाएं और फन बनाएं कॉलेज लाइफ को और ज़्यादा, और AIMT का नाम रोशन करें। बैच ऑफ ऑनर हो रहा है गाइस, सेमिनार ऑल बढ़ चुका है। सब शुरू हो चुका है बैच ऑफ ऑनर्स AIMT के, जो भी MBA 19 के हमारे सुपर स्टार्स रहे हैं। और स्टेज में आप देख रहे हैं हमारे फौजी भाई को, जिम कोऑर्डिनेटर। इन्होंने हमारे जिम की दशा इतनी अच्छी कर दी कि अब रॉक भी हमारे जिम आने को तरसता है। और हमारे बैच ऑफ ऑनर में सबसे पहले शुरुआत फौजी से। अगली बारी अवार्ड की थी आशीष जी की। आशीष भैया कोकोनट में लस्सी मिला के MBA 19 को पिलाते थे, इसलिए यह अवार्ड मिला उनको। बहुत मजा आ रहा है, अभी बैच सेरेमनी पूरी हुई है, मेरे दोस्त लोग यहाँ बैठे हैं, ये पूरा MBA 19 का अपना गैंग। DGB के एकदम स्टार परफॉर्मर बन चुके हैं, ओ माय गॉड, जाइए। और यहाँ पर संजीव हमारे, संजीव भाई पूरे दो पैक मार के अवार्ड लेने जा रहे थे और अवार्ड ले लिए। अच्छा हुआ स्टेज से गिरे नहीं। फिर शुरू हुआ तस्वीरों का वो यादों का सिलसिला, जहाँ हम सब अपनी छापे छोड़ आए थे। फिर चाहे वो कॉलेज के गार्डन की यादें हों, BBA के बच्चों की आपस में प्यार की यादें हों, या शिमला ट्रिप में बर्फ़ में लिपटने की यादें हों, सारी यादें इन्हीं तस्वीरों ने कैद की थी। बहुत मज़ा आया। पहला परफॉर्मेंस शुरू होने वाला है, और ये देखो दर्शक कैसे देख रहे हैं। शुरू हुआ रैंप वॉक का सिलसिला, और मेजर जनरल श्रीनु गोंटिया और मेजर रितु नेगी दोनों आके पोज करने लगे, और एकदम बिल्कुल क्लासी लगते हुए दोनों। मेजर जनरल थोड़ा शर्मा रहे थे, बट रितु मेजर ने बिल्कुल साथ दिया। गरीब हूँ इसलिए मेरे पास लिमिटेड स्टोरेज है, इसलिए मैं इवेंट का सब कुछ कवर नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं अमीर बन पाऊँगा वो आपके सब्सक्राइब करने से बन पाऊँगा, तो प्लीज सब्सक्राइब। ये देखो ये है हमारा एक जूनियर जो अभी मेरे को सरप्राइज देने वाला है। फिर मेजर जनरल श्रीनु गोंटिया ने इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल दी
राइफलमैन संजीव के साथ अपना एक और रैंप वॉक करके। ये जलवा गाइस, ये जलवा, ये कलवा। माय अपोलॉजीज टू संजीव भाई। और फिर शुरू हो गया था सिलसिला और सब अपने दोस्तों के साथ आके रैंप वॉक करना शुरू कर रहे थे। और एम बी 19 गर्ल्स ने जो साड़ी की चॉइस थी दैट वाज लिटरली एकदम अलग ही था। और फिर हमारे अन्ना भाई और पांडे जी और मीनी जी सब मिलकर आके सब ने अपनी परफॉर्मेंस दी, अपना रैंप वॉक किया। और आप एम बी 19 की गर्ल्स की साड़ी चॉइस देख के ही बता सकते हैं कि अपना बैच तो है ही यूनिक। एम बी 19 था ही यूनिक और रहेगा यूनिक। हमारे देखो अब अन्ना बॉयज जाएंगे दोबारा, ये देखो दोनों अन्ना और कोकोनट में लस्सी पिला के हमारे आशीष भाई एकदम टॉप। पूरी डाइवर्सिटी मिली पूरे AIMT में। अंदर का गायक कलाकार जाग गया और तुम्हारा भाई स्टेज पर भाग गया। तो और मैंने शुरू किया गाना अपना ये गाना। लोगों ने मुझे बहुत ताने मारे, सौरव जोशी चिल्ला चिल्ला के, मगर मैं नहीं हटा, मैं खड़ा रहा। क्योंकि लेवल सबके निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा। लेवल सबके निकलेंगे बट निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा यहां। एंड दिस सॉन्ग इज डेडिकेटेड to my first love, Georgia.
माइक बिल्कुल सही चल रहा था, सो आई लव यू जॉर्जिया। मेजर रितु ने अपना टैलेंट दिखा दिया, मजा आ गया डांस करके। ऐसा दिखाया मतलब मेजर रितु ने जो ट्रेनिंग में सीखा था वही सब हमें दिखाया और बहुत ही बढ़िया डांस किया। तब तक मैंने सोचा कि मैं नाम गिफ्ट ले लूं। इतना बड़ा डोनेट मिल रहा है गाइस, थैंक यू थैंक यू। मेजर रितु तो ऑलवेज ऑन टॉप।